बता दें कि इस समय बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान हर तरफ धूम मचा रही है और 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई पठान ने बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड तगड़ी कमाई कर ली है। एक तरफ जहां पठान लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, वहीं पठान फिल्म और फिल्म के कलाकारों पर दर्शकों ने खूब प्यार बरसाया है और इसी के बाद से हर जगह शाहरुख, दीपिका, जॉन और इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। वहीं इसी बातचीत के दौरान शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के सीक्वल के बारे में भी बात की। जी हाँ, सही सुना आपने। अब कहा जा सकता है कि पठान 2 अगली बड़ी फिल्म हो सकती है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम हर दिन एंटरटेनमेंट न्यूज में सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसकी वजह है पठान। और इस बीच पठान की सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए मेकर्स ने सोमवार को मुंबई में एक प्रेस इवेंट रखा था, जिसमें पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के पार्ट 2 को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है। दरअसल जिस तरह से फिल्म पठान ने सिनेमा घरों से लेकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है मेकर्स के जहन में कहीं न कहीं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। और बीते सोमवार को पठान की दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने को लेकर मुंबई में एक प्रेस इवेंट रखा गया। इस दौरान पठान की स्टार कास्ट शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम सहित फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी यहां मौजूद रहे, जहां सिद्धार्थ आनंद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पठान आई है, पठान हिट हुई है, उसके बाद क्या बनाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद लोग उनसे पठान 2 को लेकर बोलने लगे, जिसके बाद सिद्धार्थ ने इस पर इंशाल्लाह कहा। इसके बाद शाहरुख खान ने भी पठान के पार्ट 2 को लेकर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। वहीं शाहरुख खान स्टार्टर पठान की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिन में ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खबरों के मुताबिक दुनिया भर में 542 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के मामले में पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।